Hello everyone, this is Mansi from eVidyarthi Judge In. Let's chat question number 6, exercise 3.1. The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are these. So, यहाँ पे हमें जो marks दे रखे हैं, वो एक group of students की दे रखे हैं science test में. Fine. So, आपको find करना है highest and the lowest marks obtained by the student. अब इसमें से highest marks obtained और lowest marks obtained बताने हैं. So, first part, हाइएस्ट मार्क्स. अब इसमें से देखते हैं विच इज द हाइएस्ट नंबर. सो दैट इज 95. सो हाइएस्ट मार्क्स हो गए 95. कमिंग टू द सेकेंड, देन वी हैव टू राइट द लोएस्ट मार्क्स. लोएस्ट इसमें से कौन सा है? दैट इज 39. सो लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन आर 39. फाइन. सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, मतलब कि जितने भी मार्क्स आपको दे रखे हैं इसकी रेंज निकालनी है. एंड रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. फाइन. सो हाईएस्ट अभी आपने देखा दैट इज 95 माइनस लोएस्ट विच इज 39. सो 95 माइनस 39 इज 56. सो द आंसर इज 56. थर्ड वी हैव मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप. अगर आप अब आपको जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनका मीन निकालना है. सो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इन सबका सम अपॉन में नंबर ऑफ कितनी ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सो अगर आप इन सबको ऐड करोगे सो यू विल गेट 730. सो मतलब सम हो गया 730 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन का नंबर क्या है 10. फाइन. सो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कम एज 73. मीन्स द मीन ऑफ द मार्क्स इज 73. फाइन. सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7.